सफेद झूठ बोलकर अग्निवीर के नाम पर कैसे बहका रहे हैं इस पूरे देश को। ये जो ट्वीट है, ये एक तरह से होता कि इनके झूठ के ताबूत के आखिरी कील साबित होगा। ये इन्होंने इस देश को कैसा अग्निवीर के नाम पर बहलाया, बहकाया है, भ्रमित किया है, बरगलाया है कि वह फोटो लगा दीजिए मनीष जी, वो मैं पढ़ दूंगा अभी। जो ये हाँ, ये फोटो जरा दर्शक ध्यान से देखिए, दर्शकों से कहूंगा, और जो मैं पढ़ता हूँ कि प्रस्तुत चित्र में एक तरफ है एनएसजी के वह देशभक्त जांबाज कमांडो पीवी मनीष, जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले में अपनी जान पर खेलकर 40 नागरिकों की जान बचाई थी। उसी दौरान हुए बम विस्फोट में घायल होने के बाद पीवी मनीष का शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। 3 साल के आयुर्वेदिक मसाज के द्वारा कमांडो पीवी मनीष के शरीर ने 2012 में हरकत करना प्रारंभ किया था। अत्यंत महंगी उस उपचार पद्धति का खर्च पीवी मनीष ने स्वयं किया था। 2012 के बाद भी उन्हें इसकी जरूरत थी, लेकिन घर बनवाने के लिए 10 लाख का कर्ज ले चुके इस देशभक्त ने जब सरकार से उस आयुर्वेदिक मसाज के इलाज के लिए मदद मांगी थी, तो इस जाबाज कमांडो पीवी मनीष को तत्कालीन कांग्रेसी यूपीए की सरकार ने टका सा यह जवाब दे दिया था कि किसी आयुर्वेदिक उपचार के लिए ऐसा कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। लेकिन आगे जरा कहानी सुनिए मनीष जी, कि चित्र में दूसरी तरफ है कुख्यात दुर्दांत आतंकी अब्दुल नसीर मदनी। इसने 1989 में इस्लामिक सेवा संघ नाम के संगठन की स्थापना की थी। आतंकी संगठन सिमी के साथ इसके संगठन के गहरे संबंध थे। 90 के दशक की शुरुआत में सिमी द्वारा की गई ताबड़तोड़ आतंकी घटनाओं, बम विस्फोटों के बाद 1992 में इसकी संस्था आईएसएस भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। 2006 में जब ये दुर्दांत आतंकवादी तमिलनाडु की जेल में बंद था, तब आतंकी मदनी की मांग पर उसकी रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने पूर्व राष्ट्रपति किया। जरा मनीष जी गौर करिए कि एक तरफ कमांडो को मना किया जा रहा है और इस आतंकी की कैसी सेवा की जा रही है कि पूर्व तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन, आर वेंकट रमन, एपीजे अब्दुल कलाम और शंकर दयाल शर्मा सरीखे राष्ट्रपतियों का उपचार कर चुके राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर रविंद्रन समेत 1 दर्जन आयुर्वेदिक मसाज विशेषज्ञों की टीम मदनी के इलाज के लिए तैनात की थी। उस टीम पर 10 लाख रुपए सरकारी खर्च हुए थे और कमांडो के लिए पैसे नहीं थे केंद्र सरकार के पास। मुंबई हमले के 2 दिन बाद आतंकी मदनी ने बयान जारी करके केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंदन को अपने इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करवाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया था। ये है मनीष जी चरित्र, ये वो अच्युतानंदन को बधाई दे रहा था जो मुंबई हमले के 2 दिन बाद शहीद के घर को कुत्ता कह रहा था कि यहाँ कुत्ता भी नहीं आता, और आतंकवादियों के लिए 10 लाख रुपए और देश के राष्ट्रपतियों की जिन डॉक्टर आयुर्वेदिक मसाज के जो डॉक्टर थे, जो लोग लगे हुए थे, उन डॉक्टरों को इसके लिए तैनात किया था। लेकिन जो आपको बगल कमांडो पीवी मनीष नजर आ रहे हैं, इनके लिए कांग्रेस की सरकार ने मना कर दिया था 2012, यानी उस समय राहुल गांधी, अगर आप उम्र की बात करूं तो उस समय राहुल गांधी 41 साल का हो गया था, वो लौंडा नहीं था 12-14 साल का, 41 साल का हो गया था, देश देश की संसद दूसरी बार सदस्य बना था और इतना पावरफुल था कि मनमोहन सिंह के अध्यादेशों को फाड़ के फेंक दिया करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन तब राहुल गांधी को इस पीवी मनीष के प्रति कोई संवेदना नहीं हुई, कोई सहानुभूति नहीं हुई, इसके लिए वो नहीं बोला कि इस आदमी को पैसे दो, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इस आदमी की गति हुई है, तो पीवी मनीष पे उस चुप्पी उसने साध ली और इस आतंकी के लिए 10 लाख रुपए कांग्रेसी और कम्युनिस्टी सरकारों ने उड़ाए। तो यह है इनका अकली सच, जो अग्निवीर के नाम पे बताते हैं कि हमको सेना के लिए बड़ा प्रेम है और हमको सही अग्निवीरों के लिए बड़ा प्रेम है और शहीदों के लिए बड़ा प्रेम है, ये सामने कच्चे चिट्ठे हैं, इनके जिंदा सबूत है पीवी मनीष इस देश की सेना और इस देश की सेना के जवानों के साथ कैसा दुश्मनों जैसा व्यवहार कांग्रेसी सरकारों का रहा है। और ये राहुल गांधी बेशर्मी के साथ चुप्पी साधे रहता था, जो आज अग्निवीर के नाम पर नौटंकी करते पूरे देश में घूम रहा है। बिल्कुल, सच देश के सामने आना चाहिए।